हेलो एंड वेलकम बैक इन तैयारी नगर। सो क्लास, जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर में पढ़ाया है और कंप्यूटर में मैंने आपको बताया है ढेर सारे क्वेश्चंस, उसी क्वेश्चन के बेस पर ये मैंने 15 क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि मैं जान सकूं कि आप में कितना आपने कितना सीखा और फिर मैं कितना प्रयास कर सका हूँ आपके लिए, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप भी अपना नोटबुक, पेंसिल या फिर पेन लेकर के ट्राई कीजिए कि कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो देखिए, इसमें हरमन होलोरिथ है, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और जोसेफ जैकयूड हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर के पितामह हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर जो हमने बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। तो इसमें जो आंसर है, ऑप्शन ए है हरमन होलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, ठीक है, या फिर वॉन न्यूमान। देखिए, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक ना, कि कंप्यूटर का फादर तो चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान जो है ना यहाँ पर इनका है, वॉन न्यूमान का, ठीक है। प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखिए, इसमें इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो है आपका चार्ल्स बेबेज। इसमें चार्ल्स बेबेज ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1946, 1950, 1960 या 1965। अगर आपको याद होगा, देखिए, सबसे पहले जो है ना वो 1946 में आया था। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है ना, हम उसे क्या बोलते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर, जी बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। फर्मवेयर, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और इस वाले में क्या लिखा हुआ है, ह्यूमनवेयर, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, फिजिकल पार्ट्स का मतलब होता है हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, यूपीएस है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है ना, हम इसको टच कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर संचालक में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप सामग्री को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, हम इसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। कंप्यूटर जो हम पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, हम उसे क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे अच्छी से बात है कि हम उसे क्या बोलते हैं, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सीपीयू बोलते हैं उसको, ठीक है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो माइंड है ना, दिमाग है, उसे क्या बोलते हैं, तो वह है सीपीयू। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर, सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में सब चीज़ प्रेजेंट होता है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है आपका रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर। इन दोनों ने मिलकर ही माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म आईसी होता है, चिप का विकास किसने किया, ठीक है, तो इसका विकास कौन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C.J.S. Kilby ने। नेक्स्ट है, संगणकों, कंप्यूटर्स में आईसी चिप प्रायः किससे बने होते हैं। तो देखिए, जो चिप लगा होता है ना, या फिर हम लोग मोबाइल फोन भी यूज करते हैं चिप, उस चिप किसका बना होता है, तो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। चुंबक के डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन ऑक्साइड का। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद होगा तो जरूर बता सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बीट, है ना, बीट में मापते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं। भूकंप की तीव्रता, बिल्कुल नहीं। शक्ति व्यव क्षमता, बिल्कुल नहीं। जनसंख्या, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर की स्मृति मापते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को 15 में 15 मार्क्स मिले होंगे, है ना। आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 15 में
15 मार्क्स ट्राई किया होगा, या फिर कोई बात नहीं अगर 15 मार्क्स ट्राई नहीं किए तो नो प्रॉब्लम, मे बी कि आपका 10/15 जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए अच्छी मार्क्स की कामना करते हैं आपकी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तो कंप्यूटर का मेरा सारा ख़त्म हो गया है ना, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पे। ठीक है, केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।